Hello friends, my name is Shahnawaz Siddiqui. I'm from Zwiss Foreign Language Institute. आपका mentor, आपका guide, motivational speaker, life coach और इन सबसे बढ़कर आप सभी का दोस्त हाजिर हूं एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ. दोस्तों आज का जो अपना वीडियो है ये ए अल्फाबेट वर्ब लिस्ट का है. आज हम लोग ए अल्फाबेट वर्ब के कुछ वर्ड्स को यहां पर सीखेंगे. तो दोस्तों आज का ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी होने वाला है क्योंकि आज मैं काफी इलैबोरेट करके आप लोगों को वर्ड्स पढ़ाऊंगा. क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब भी आप वर्ड्स पढ़ें तो वर्ड्स को एक ग्रुप के साथ पढ़ें, जब भी आप वर्ड्स पढ़ें तो वर्ड्स को पहचान के पढ़ें, रिकॉग्नाइज करके पढ़ें, जब भी आप वर्ड्स पढ़ें तो वर्ड्स को एक सेंटेंस बना के अपने दिमाग में अपने जहन में रख लें. तो जब इस तरह से आप वर्ड्स पढ़ते हैं तो वर्ड्स को रिटेन करना, उसे लर्न करना और उसे यूज करना आपके लिए आसान हो जाता है. तो चलिए दोस्तों आज हम लोग अपनी इन्हीं तीन टेक्निक का यूज करते हैं. तो सबसे पहली बात मैंने आपको बताई कि हम लोग जो भी वर्ड्स पढ़ने वाले हैं ये सारे वर्ड्स वर्ब हैं. तो सबसे पहली चीज हम लोगों ने देखी कि जो वर्ड्स हम पढ़ने वाले हैं ये वर्ब हैं. अब इसके साथ दूसरा हम वर्ड्स को ग्रुप में कैसे पढ़ेंगे इसको भी हम लोग ध्यान देंगे और इन वर्ड्स को हम सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं उनको भी हम लोग यहां पर ध्यान देंगे. तो आप में से जो लोग स्पोकन के पर्पज से पढ़ना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं और जिन लोगों को कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करनी है वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं. चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ए अल्फाबेट वर्ब लिस्ट. तो सबसे पहला वर्ड आप लोगों के सामने दैट इज कॉल्ड अबेंडन. दिस इज अबेंडन. अबेंडन एक वर्ब है और अबेंडन का मतलब होता है त्याग देना या छोड़ देना. तो किसी चीज को त्याग देने के लिए, किसी चीज को छोड़ देने के लिए, किसी चीज का परित्याग कर देने के लिए हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं अबेंडन. तो अबेंडन का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना, किसी चीज का परित्याग कर देना. दैट इज कॉल्ड अबेंडन. जैसे मैंने कहा कि उसके मम्मी पापा ने उसे त्याग दिया तो हिज पेरेंट्स अबेंडन हिम. तो उसके मम्मी पापा ने उसे त्याग दिया, उसे छोड़ दिया तो हिज पेरेंट्स अबेंडन हिम. मैंने कहा मैं अपनी खटारा कार से छुटकारा पाना चाहता हूं, मैं अपनी खटारा कार को त्याग देना चाहता हूं. तो आई वॉन्ट टू अबेंडन माई बैटर्ड कार. आई वॉन्ट टू अबेंडन माई बैटर्ड कार. मैं अपनी खटारा कार को त्याग देना चाहता हूं. तो त्याग देना या छोड़ देना दैट इज कॉल्ड अबेंडन. दोस्तों इसके लिए आपने एक वर्ड कभी सुना होगा एबडिकेट. एबडिकेट का मतलब भी त्याग देना, छोड़ देना. इसी को हम लोग बोलते हैं लीव, त्याग देना, छोड़ देना. यही वर्ड होता है गिव अप, इसे हम लोग कहते हैं त्याग देना, छोड़ देना. यही वर्ड होता है फॉरसेक. फॉरसेक का मतलब भी त्याग देना, छोड़ देना. इसी को हम लोग बोलते हैं रिनाउंस. रिनाउंस का मतलब भी त्याग देना, छोड़ देना. और यही वर्ड जी अल्फाबेट से होता है जेटिसन. और जेटिसन का मतलब भी त्याग देना या छोड़ देना. तो ये वो सारे सिनोनिम्स हैं अबेंडन के. तो अबेंडन, एबडिकेट, लीव, गिव अप, फॉरसेक, रिनाउंस और जेडिसन. तो त्याग देने के लिए या छोड़ देने के लिए हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं अबेंडन. एबडिकेट वर्ड दोस्तों एक स्पेशल वर्ड है जो किसी पद को, किसी कुर्सी को, किसी पावर को छोड़ने के लिए यूज किया जाता है. दैट इज कॉल्ड एबडिकेट. जैसे मैंने कहा मायावती अपनी कुर्सी नहीं छोड़ सकती तो मायावती कैन नॉट एबडिकेट हर चेयर. एबडिकेट का मतलब त्याग देना या परित्याग करना. दोस्तों जेडिसन वर्ड ये एसएससी के एग्जाम में आ चुका है और शायद 2012 में एक क्वेश्चन आया है सब्स्टिट्यूशन वन वर्ड में कि पानी वाले जहाज से या एरोप्लेन से फालतू सामान को बाहर फेंक देने को हम क्या बोलते हैं, जेडिसन बोलते हैं. तो फालतू सामान से छुटकारा पाना दैट इज कॉल्ड जेडिसन. तो अबेंडन, एबडिकेट, लीव, गिव अप, फॉरसेक, रिनाउंस और जेडिसन. दोस्तों अबेंडन वर्ब है इसका मतलब आपको पता चल गया कि त्याग देना. अब जरा आप यहां पर एक चीज देखिए, मैंने आपको क्या बोला कि जब भी वर्ड्स पढ़ेंगे तो हम ग्रुप के साथ पढ़ेंगे. अभी अबेंडन वर्ब है तो आपने कहा त्याग देना. दिस इज कॉल्ड अबेंडन. अब जरा इस वर्ड को ध्यान से देखिए दोस्तों. मैंने इसी की फैमिली का एक वर्ड लिखा अबेंडनमेंट और जैसे ही मैंने मेंट लिखा आप देखते ही समझ गए कि वर्ड नाउन है. मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया कि हम लोग किसी भी वर्ड को देखकर आसानी से पहचान सकते हैं. अभी जब आप नाउन की बात करते हैं तो हम लोगों ने नाउन की पहचान में देखा है कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में मेंट आता है तो इस तरह के वर्ड्स मैक्सिमम टाइम नाउन होते हैं. तो यहां पर अबेंडनमेंट ये हो गया नाउन. अब दोस्तों वर्ब में और नाउन में सिर्फ एक फर्क होता है कि वर्ब में ना निकले और नाउन में ना ना निकले. यहां आपने कहा अबेंडन, त्याग देना, और जैसे हम लोग आए अबेंडनमेंट पे तो हमने यहां पर बोला त्याग. तो त्याग को क्या कहा जाता है, अबेंडनमेंट. तो अबेंडन वर्ब था तो आपने कहा त्याग देना और अबेंडनमेंट वर्ड नाउन है तो इसका मतलब क्या हो गया, त्याग. दैट इज कॉल्ड अबेंडनमेंट. अब दोस्तों इसी वर्ड को मैं आपके सामने लिख देता हूं अबेंडेंट. अब देखिए ईडी को देखकर हम लोग समझ गए कि ये वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है. तो रिकॉग्निशन ऑफ एडजेक्टिव वर्ड्स पे
आप लोग जाकर एक मेरा वीडियो है वहां पर आप जाकर एडजेक्टिव्स की पहचान को देख सकते हैं कि अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में ईडी आता है तो इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं। तो देखिए अबेंडेंट ये वर्ड हो गया एडजेक्टिव। अब दोस्तों एडजेक्टिव है हम पहचान गए तो इससे हमें एक फायदा क्या मिलता है कि एडजेक्टिव के डेफिनेशन से हमें एक बात और क्लियर हो जाती है कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो नाउन की या प्रोनाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है। तो अब एडजेक्टिव को पढ़ते वक्त एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम सभी लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी कोई एडजेक्टिव वर्ड पढ़े उसके साथ एक नाउन को अटैच कर लें। ऐसा करने से आपको वर्ड की क्लैरिटी भी आ जाती है और आपको वर्ड यूज करना भी आ जाता है। जैसे मैंने कहा ही इज अबेंडेंट चाइल्ड, वो त्यागा गया बच्चा है तो ही इज अबेंडेंट चाइल्ड। अब जरा ध्यान दीजिए चाइल्ड वर्ड नाउन है और नाउन की क्वालिटी बता रहे हैं कि नाउन कैसा है बच्चा कैसा है, त्यागा गया है, दैट इज कॉल्ड अबेंडेंट चाइल्ड। तो सबसे पहली बात मैंने बोली कि जब भी वर्ड्स पढ़ेंगे उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचान कर कि वर्ड वर्ब है कि नाउन है कि एडजेक्टिव है एडवर्ब है। जब भी आप वर्ड्स पढ़ेंगे तो वर्ड्स को उसके ग्रुप के साथ उसकी फैमिली के साथ पढ़ेंगे। और तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि जब भी आप कोई वर्ड पढ़ेंगे तो उस वर्ड का एक सेंटेंस बना के अपने दिमाग में रखेंगे सो दैट यू मे यूज इट व्हाइल स्पीकिंग, ताकि आप बोलते समय उसका इस्तेमाल कर सकें। तो अबेंडन का मतलब त्याग देना या छोड़ देना। अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है एवरेज, ए बी आर आई डी जी ई एवरेज। दोस्तों एवरेज का मतलब होता है काट छांट करना, इसे हम लोग बोलते हैं टू कट शॉर्ट, इसे हम लोग बोलते हैं डाउन साइज। तो किसी चीज को डाउन साइज करना, काट छांट करना, रिड्यूस करना, छोटा करना, दैट्स कॉल्ड एवरेज। तो बहुत बार होता क्या है कि जैसे हमने कोई स्क्रिप्ट लिखी बहुत लेंदी हो गई, हमने उसको एवरेज कर दिया। कोई कहानी कोई स्टोरी है लेंदी है, हमने उसको एवरेज कर दिया। कोई सॉन्ग है, हमने उसको एवरेज कर दिया। कोई बुक हमने 100 पन्ने की लिखी, मुझे लगा पेजेस ज्यादा हो गए, मैंने उसको थोड़ा सा एवरेज कर दिया। तो काट छांट करना दैट इज कॉल्ड एवरेज। तो हिंदी में क्या बोलते हैं, काट छांट करना दैट इज कॉल्ड एवरेज। तो काट छांट करना दैट्स कॉल्ड एवरेज। तो मैंने कहा आई वॉन्ट टू एवरेज दिस बुक, तो मैं इस किताब में छटनी करना चाहता हूं, मैं इसमें कुछ चीजें काटना चाहता हूं, तो आई वॉन्ट टू एवरेज। प्लीज डोंट एवरेज माई स्टोरी, तो मेरी कहानी में कोई काट छांट मत कीजिए, तो डोंट एवरेज माई स्टोरी। अब जरा ध्यान से देखिए, ये वर्ड एवरेज था तो आपने कहा काट छांट करना, वर्ब में ना जरूर निकले, काट छांट करना दैट इज कॉल्ड एवरेज। अब दोस्तों इस वर्ड पे आते हैं हम लोग, एवरेज मेंट। अब देखिए मेंट को देखते ही बात समझ में आ गई कि वर्ड हो गया नाउन एवरेज मेंट। और मैंने कहा नाउन में और वर्ब में सिर्फ एक फर्क होता है कि वर्ब में ना निकले और नाउन में ना निकले। तो वर्ड्स को याद नहीं करना पड़ता, वर्ड्स को लर्न नहीं करना पड़ता, अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कर लें तो वर्ड्स अपने आप आपको क्लियर हो जाता है। यहां पर आपको बोलना पड़ेगा काट छाट दैट इज कॉल्ड एवरेज मेंट। तो जब एवरेज था वर्ब था तो आपने कहा काट छाट करना, अभी एवरेजमेंट है नाउन है तो आपने कहा काट छाट। मैंने कहा भाई मुझे अपनी किताब में कोई काट छाट नहीं चाहिए, तो आई डोंट वॉन्ट एनी एवरेजमेंट इन माई बुक। तो मुझे अपनी किताब में कोई काट छाट नहीं चाहिए, तो आई डोंट वॉन्ट एनी एवरेजमेंट इन माई बुक। अब दोस्तों अगर इसी वर्ड को मैं आपके सामने ऐसे लिख दूं एवरेज्ड, तो ईडी को देखकर क्या समझ में आएगा कि वर्ड हो गया एडजेक्टिव। और बात समझ में आ रही कि कोई भी चीज जिसमें काट छाट की गई हो दैट इज कॉल्ड एवरेज्ड। कई बार जब कोई किताब कोई बुक पब्लिश होती है कई सारे संस्करण में कई सारे एडिशंस में पब्लिश होती है, तो बुक के फर्स्ट पेज पर या अंदर वाले फर्स्ट पेज पर कई बार लिखा होता है एवरेज्ड एडिशन, और उसको देखकर ही हम लोग समझ जाते हैं कि जो एडिशन है जो संस्करण है वो कैसा है। एवरेज्ड है मतलब इसमें से कुछ चीजें हटाई गई हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं एवरेज्ड एडिशन। अब इसी का अपोजिट होता है अनएवरेज्ड, जिसमें कोई काट छांट नहीं की गई है। तो कभी कभी डिक्शनरी पर कभी कभी बुक्स पर यह लिखा होता है अनएवरेज्ड एडिशन, और देखते ही हम लोग समझ जाते हैं कि ये जो एडिशन है इसमें से कोई भी चीज हटाई नहीं गई, इसमें कोई भी चीज काटी नहीं गई है, इसे हम लोग कहते हैं अनएवरेज्ड एडिशन। तो देखा आपने कि वर्ड्स को सबसे पहले हमने इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को जाना, फिर हमने वर्ड्स को उसकी फैमिली के साथ देखा, और तीसरा हमने वर्ड्स को सेंटेंस बनाकर अपने दिमाग में रखा। वर्ड को दोस्तों फैमिली के साथ पढ़ना हमेशा फायदेमंद, हमेशा प्रॉफिटेबल होता है। रीजन कि अगर हम इसकी फैमिली का कोई भी एक वर्ड हमारा कभी भी पढ़ा हुआ है कहीं पर सुना हुआ है तो रेस्ट ऑफ द वर्ड्स को हमें लर्न करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो चलिए दोस्तों एवरेज के बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, एंड नेक्स्ट वर्ड इज कॉल्ड एबडक्ट। नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने एबडक्ट। दोस्तों एबडक्ट का मतलब होता है अपहरण करना, जिसे आप कहते हैं किडनैप करना। तो किसी का अपहरण करने के लिए, किसी को किडनैप करने के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं एबडक्ट।
मैंने कहा वो तुम्हारा अपहरण कर लेगा, he will abduct you, तो वो तुम्हारा अपहरण कर लेगा, he will abduct you, he will kidnap you. एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ध्यान दें, कभी कभी हम लोग किसी के एनिमल्स को भी किडनैप कर लेते हैं. कोई इंसान किसी की गाय चुरा ले गया, किसी की बकरी खोल ले गया, किसी की मुर्गी चुरा ले गया, तो वहां पर भी हम इस वर्ड को यूज करते हैं abduct. तो abduct का मतलब हो गया किसी पर्सन को भी आप किडनैप कर सकते हैं और किसी एनिमल को भी आप किडनैप करने के लिए यूज कर सकते हैं abduct. अब दोस्तों यहां पर abduct वर्ड वर्ब है, तो आपने क्या कहा, अपहरण करना. देखिए मैं बार बार इसको हिंदी में क्यों लिख रहा हूं, उसका रीजन है मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप वर्ड्स को पहचानना सीख गए तो आपको वर्ड्स को लर्न नहीं करना पड़ेगा, वर्ड्स को याद नहीं करना पड़ेगा. वर्ब है तो मैंने कहा अपहरण करना. अब जरा इसी वर्ड को ध्यान से देखिए, मैंने लिखा एबडक्शन. वर्ड क्या लिखा, एबडक्शन. और जैसे आपने वर्ड देखा एबडक्शन, आप इसे देखते ही समझ गए कि अरे ये वर्ड तो नाउन हो गया. मैंने बताया किसी वर्ड के लास्ट में टी आई वन आ जाए नाउन, एम ई एन टी आ जाए नाउन, ओ आर आ जाए नाउन, ई आर आ जाए नाउन, डबल ई आ जाए नाउन, एस आई ओ एन आ जाए नाउन, एन ई डबल एस आ जाए नाउन, सी ई आ जाए नाउन, सी वाई आ जाए नाउन, क्रेसी आ जाए नाउन, क्रैट आ जाए नाउन, फोबिया आ जाए नाउन, मेनिया आ जाए नाउन, आर्क आ जाए नाउन, आर्की आ जाए नाउन, शिप आ जाए नाउन, डम आ जाए नाउन, हुड आ जाए नाउन, ए जी ई आ जाए नाउन, टी यू डी ई आ जाए नाउन. तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी पहचान है जिससे हम लोग ये बात देख सकते हैं कि जो गिवन वर्ड हमारे सामने है वो नाउन है या नहीं. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है और इसको मैंने अपने एक अलग वीडियो में, जहां पर मैंने रिकॉग्निशन ऑफ नाउन्स का एक वीडियो बनाया है, वहां पर आप जाकर इस चीज को सीख सकते हैं. तो अभी मैंने बोला एबडक्शन. अब मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि वर्ब और नाउन में सिर्फ एक फर्क है कि वर्ब में ना निकले और नाउन में ना निकले. यहां आपने कहा अपहरण करना और जैसे ही हम लोग एबडक्शन पे आए इसका मीनिंग हो गया अपहरण, और अपहरण के लिए आपने बोला एबडक्शन. तो मैं बार बार इस बात को फोकस करता हूं कि जिन लोगों को वर्ब याद होते हैं उनको कभी नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ती. तो आप अपनी पूरी एनर्जी वर्ब को याद करने में लगाइए. अगर आपको वर्ब याद होगा तो आपको नाउन, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब मैं इसी की फैमिली का एक और वर्ड लिखता हूं, एबडक्टर. और जैसे मैंने एबडक्टर लिखा ओआर को देखकर आप समझ गए कि वर्ड नाउन है. अब दोस्तों याद कीजिए मैंने एक बात बताई थी, जब मैंने आपको रिकॉग्निशन ऑफ नाउन में वर्ड्स को एक्सप्लेन किया था तब मैंने बताया था कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में ओआर या ईआर आता है तो इस तरह के वर्ड मोस्टली नाउन होते हैं और किसी काम को करने वाला. तो जैसे मैंने कहा एबडक्टर तो आप समझ गए एबडक्ट करने वाला, अपहरण करने वाला, अपहरणकर्ता. तो हम लोग अपहरणकर्ता को एबडक्टर बोलते हैं. जैसे किडनैप करने वाला किडनैपर होता है उसी तरह से एबडक्ट करने वाला एबडक्टर होता है. इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ आर या ई आर आता है तो इस तरह के वर्ड नाउन होते हैं और किसी भी काम को करने वाला. जैसे मैं टीचर हूं तो टीचर टीच करने वाला, स्पीकर स्पीक करने वाला, राइटर राइट करने वाला, रीडर रीड करने वाला, लिसनर लिसन करने वाला, सिंगर सिंग करने वाला, डांसर डांस करने वाला, ऑर्गेनाइजर ऑर्गेनाइज करने वाला, मैनेजर मैनेज करने वाला, किडनैपर किडनैप करने वाला, हैकर हैक करने वाला, उसी तरह से एबडक्टर एबडक्ट करने वाला. अब दोस्तों इसी की फैमिली का मैं एक वर्ड और लिखता हूं आपके सामने, एबडक्टी. देखिए डबल ई आ गया. अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि जब किसी वर्ड के लास्ट में डबल ई आता है तो वर्ड नाउन होता है. तो ये वर्ड हो गया एबडक्टी. एबडक्टी का मतलब होता है जिसका अपहरण किया गया हो, जिसका अपहरण हुआ हो उसे हम लोग कहते हैं एबडक्टी. जब किसी वर्ड के लास्ट में डबल ई आता है तो यहां पर हमें एक हिंट मिल जाती है कि वो एक्शन, वो काम, वो चीज, वो कांड उसी पर्सन के साथ हुआ है. किडनैपर किडनैपी, एबडक्टर एबडक्टी, एग्जामिनर एग्जामिनी, असाइनर असाइनी, सुअर सुई. तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं जहां पर हमें एक हिंट मिलती है कि एबडक्टी जिसका अपहरण किया गया हो. तो दोस्तों अगर आपको एबडक्ट का मीनिंग याद है अपहरण करना, तो एबडक्शन एबडक्टर और एबडक्टी को कभी भी आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे बोलते हैं कि सर हम लोग वर्ड्स याद करते हैं, एंटोनम्स याद करते हैं, सिनोनम याद करते हैं, सब्स्टिट्यूशन वन वर्ड याद करते हैं, इडियम फ्रेजेस याद करते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद भूल जाते हैं. ये बिल्कुल सही बात है कि आप उसे याद करते हैं. अगर आप उसको समझ के एक बार पढ़ लें, उसको पहचान के पढ़ लें, उसको फैमिली के साथ रिलेट करके पढ़ लें, उसका सेंटेंस बना के अपने दिमाग में रख लें, उस वर्ड को आप किसी चीज से जोड़ दें तो आप कभी भी उस वर्ड को नहीं भूलेंगे. तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग. नेक्स्ट वर्ड इज कॉल्ड एब्स्टेन. तो दोस्तों एब्स्टेन, एब्स्टेन का मतलब होता है किसी चीज से परहेज करना. एब्स्टेन का मतलब होता है किसी चीज से दूर रहना. एब्स्टेन का मतलब होता है किसी चीज से बचना. तो बचने के लिए
परहेज करने के लिए, किसी चीज से दूर रहने के लिए हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं एब्स्टेन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर बैंक पीओ और एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है कि एब्स्टेन के साथ टू आता है, एब्स्टेन के साथ ऑफ आता है या एब्स्टेन के साथ फ्रॉम आता है। तो एब्स्टेन ऑफ, एब्स्टेन टू या एब्स्टेन फ्रॉम। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं कि एब्स्टेन के साथ फ्रॉम वर्ड का यूज किया जाता है एब्स्टेन फ्रॉम। जैसे मैंने कहा, किसी ने मुझसे पूछा कि सर प्लीज हैव अ पैक, मैंने नो आई एम सॉरी एब्स्टेन फ्रॉम अल्कोहल, मैं शराब से परहेज करता हूं, तो आई एब्स्टेन फ्रॉम अल्कोहल। मैंने भाई बुरे दोस्तों से दूर रहो यार, तो एब्स्टेन फ्रॉम योर बैड फ्रेंड्स, तो बुरे दोस्तों से दूर रहो, तो एब्स्टेन फ्रॉम योर बैड फ्रेंड्स। साधु संत महात्मा हरमिट फकीर दे एब्स्टेन देमसेल्व्स फ्रॉम वर्ल्डली थिंग्स, तो लोग संसारिक चीजों से अपने आप को बचाते हैं, दूर रखते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं एब्स्टेन फ्रॉम। अब दोस्तों जरा एब्स्टेन का मतलब हो गया परहेज करना। अब अगर कभी आपसे कोई पूछ ले कि एब्स्टेनर का मतलब बताओ तो क्या बोलेंगे, परहेज करने वाला। अभी बताया था अगर किसी वर्ड के लास्ट में ER आता है तो इस तरह का वर्ड नाउन होता है और किसी काम को करने वाला, तो एब्स्टेनर कौन हो गया, एब्स्टेन करने वाला, परहेज करने वाला। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सब्स्टिट्यूशन वन वर्ड में बहुत बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है एब्स्टेनर। तो वो पर्सन जो शराब नहीं पीता, वो पर्सन जो शराब नहीं पीता इज कॉल्ड एब्स्टेनर। एब्स्टेनर इज अ पर्सन हु डजंट ड्रिंक, हु डजंट टेक लिकर, हु डजंट टेक अल्कोहल इज कॉल्ड एब्स्टेनर। दोस्तों क्वेश्चन इतना आ चुका है कि अब एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया है और आजकल आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन आता है टीटो टेलर। तो एब्स्टेनर इज कॉल्ड टीटो टेलर, तो वो पर्सन जो शराब नहीं पीता ही इज कॉल्ड एब्स्टेनर। अब इसी की फैमिली का एक वर्ड और देख लेते हैं, एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस देखिए सी को देखकर समझ गए ना, नाउन है, वर्ब और नाउन में एक फर्क बताया था कि यहां पर आपने कहा परहेज करना। मैं फिर से लिख के समझा देता हूं, परहेज करना यहां पर ना जरूर आए और यहां पर ना ना निकले, तो आपने कहा परहेज, दैट इज कॉल्ड एब्स्टिनेंस। जैसे मैंने कहा मैं दूध नहीं पीता, मुझे मिल्क से परहेज है, तो आई हैव एब्स्टिनेंस फ्रॉम मिल्क, तो मुझे दूध से परहेज है, तो आई हैव एब्स्टिनेंस फ्रॉम मिल्क। अब इसी को मैंने लिख दिया एब्स्टिनेंट। तो दोस्तों ईएनटी को देखकर समझ गए ना कि वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। हम लोग एक सेकंड में देखकर समझ जाते हैं, तो हमारा जो एक वीडियो है रिकॉग्निशन ऑफ एडजेक्टिव वर्ड्स, उस पर जाकर आप लोग देख सकते हैं कि एडजेक्टिव को हमें कैसे पहचानना है। मैं थोड़ा सा हिंट यहां पर दे देता हूं, अगर किसी वर्ड के लास्ट में ईएनटी आ जाए तो एडजेक्टिव, ईडी आ जाए एडजेक्टिव, आईएनजी आ जाए एडजेक्टिव, फुल आ जाए एडजेक्टिव, सम आ जाए एडजेक्टिव, लेस आ जाए एडजेक्टिव, आईबीएलई आ जाए एडजेक्टिव, एबीएलई आ जाए एडजेक्टिव, ईएनटी आ जाए एडजेक्टिव, एएनटी आ जाए एडजेक्टिव, आईएसएच आ जाए एडजेक्टिव, एएल आ जाए एडजेक्टिव, ओयूएस आ जाए एडजेक्टिव, आईसी आ जाए एडजेक्टिव, आईएसी आ जाए एडजेक्टिव, आईएनई आ जाए एडजेक्टिव, ओआरवाई आ जाए एडजेक्टिव, या किसी कॉन्सोनेंट के बाद वाई आ जाए, जैसे आरवाई, एसवाई, एनवाई, पीवाई, टीवाई, जैसा बोलते स्मार्टी, हाई स्मार्टी, अब स्मार्टी टी के बाद वाई आ गया, आप समझ गए वर्ड क्या हो गया एडजेक्टिव। तो वहां पर मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग मेरा रिकॉग्निशन ऑफ एडजेक्टिव वर्ड्स पर जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। तो एब्स्टिनेंट इसका मतलब हो गया वो पर्सन जो किसी चीज से परहेज करता हो, इज कॉल्ड एब्स्टिनेंट। तो मैंने कहा आई एम एब्स्टिनेंट फ्रॉम मिल्क, तो मैं मिल्क से परहेज करता हूं, मैं परहेजी हूं, तो परहेजी को हम लोग बोलते हैं एब्स्टिनेंट। तो देखिए एब्स्टेन परहेज करना, एब्स्टिनर परहेज करने वाला, एब्स्टिनेंस इज कॉल्ड परहेज, और एब्स्टिनेंट हो गया परहेजी। तो आई एम एब्स्टिनेंट पर्सन, तो पर्सन की क्वालिटी बता रहा है कि व्यक्ति कैसा है, पर्सन कैसा है, एब्स्टिनेंट है, तो परहेज करने वाला। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है एक्सेप्ट। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट मीनिंग सभी को पता है इजी वर्ड है। एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी चीज को स्वीकार करना या मानना, तो मानने के लिए या स्वीकार करने के लिए हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं एक्सेप्ट। जैसे मैंने कहा वो अपनी गलती कभी नहीं मानता, ही नेवर एक्सेप्ट मिस्टेक। अगर मैं गलती करता हूं तो मैं गलती मानता हूं, इफ आई मेक मिस्टेक आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक। तो मानना एक्सेप्ट, और स्वीकार करना भी एक्सेप्ट होता है। जैसे मैंने कहा आई एम सॉरी यार, मैं तुम्हारा गिफ्ट स्वीकार नहीं कर सकता, तो आई एम सॉरी आई कैन नॉट एक्सेप्ट योर गिफ्ट। तो स्वीकार करना इज कॉल्ड एक्सेप्ट। अब दोस्तों इसी की फैमिली का मैंने एक वर्ड लिखा एक्सेप्टेंस, और देखिए सी को देखकर आप समझ गए वर्ड हो गया नाउन, और नाउन हो गया तो एक चीज। भाई नाउन की डेफिनेशन क्या है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। अगर कोई चीज नाउन है तो
तो हमें ये हिंट मिल जाता है कि या तो वो पर्सन होगा या वो प्लेस होगा या कोई एनिमल होगा या फिर कोई चीज होगी। तो यहां पर एक्सेप्टेंस एक चीज है और वो चीज क्या है, स्वीकृति। तो स्वीकृति के लिए हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं एक्सेप्टेंस, दैट इज कॉल्ड स्वीकृति। जैसे मैंने कहा मुझे आपकी स्वीकृति चाहिए तो आई वॉन्ट योर एक्सेप्टेंस, तो एक्सेप्टेंस का मतलब हो गया स्वीकृति। अब दोस्तों इसी वर्ड को अगर मैं ऐसे लिख दूं एक्सेप्टेबल, तो देखिए एबल को देखकर समझ गए ना कि वर्ड हो गया एडजेक्टिव एक्सेप्टेबल, और एबल का मतलब होता है योग्य, तो स्वीकार करने योग्य इज कॉल्ड एक्सेप्टेबल। तो कोई भी चीज जिसे स्वीकार किया जा सके, जिसे अपनाया जा सके, दैट्स कॉल्ड एक्सेप्टेबल। और इसी का अपोजिट वर्ड होता है अनएक्सेप्टेबल, जिसे स्वीकार ना किया जा सके। तो एबल को देखकर आप समझ गए कि वर्ड एडजेक्टिव है। और यहां पर दोस्तों अन, अन एक निगेटिव प्रीफिक्स होता है, अन जिसके साथ जुड़ता है उसके मीनिंग को अपोजिट कर देता है। तो हम लोगों ने सफिक्स प्रीफिक्स और जो रूट वाला हमारा वीडियो है उसमें मैंने इन बातों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो वहां पर आप जाकर इसको देख सकते हैं। तो अन एक निगेटिव प्रीफिक्स है, अन मीनिंग को अपोजिट कर देता है। तो एक्सेप्टेबल जिसे स्वीकार किया सके, और अनएक्सेप्टेबल जिसे स्वीकार ना किया जा सके। तो मैंने कहा योर गिफ्ट इज अनएक्सेप्टेबल, तो आपका गिफ्ट स्वीकार करने योग्य नहीं है, तो योर गिफ्ट इज अनएक्सेप्टेबल। तो एक्सेप्ट स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस स्वीकृति, एक्सेप्टेबल जिसे स्वीकार किया जा सके, और अनएक्सेप्टेबल जिसे स्वीकार ना किया जा सके। तो दोस्तों नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड है अकंपनी। अकंपनी, अकंपनी का मतलब होता है किसी का साथ देना, किसी का संगत देना, दैट्स कॉल्ड अकंपनी। तो किसी का साथ देने के लिए हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं अकंपनी। मैंने कहा अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, तो नाउ आई कैन नॉट अकंपनी यू। अरे यार तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा, यू विल हैव टू अकंपनी मी। तो मेरा साथ देना पड़ेगा, यू विल हैव टू अकंपनी मी। तो अकंपनी का मतलब क्या हो गया, साथ देना। अभी दोस्तों यहां पर वर्ब है ना, तो आपने क्या बोला, साथ देना। वर्ब है ना, तो आपने बोला साथ देना, दैट इज कॉल्ड अकंपनी। अब इसी की फैमिली का तो नाउन होता है कंपनी, जिसे आप बोलते हैं साथ। देखिए वर्ब और नाउन में एक ही फर्क है कि वर्ब में ना निकले, नाउन में ना निकले। यहां आपने कहा साथ देना, और जैसे यहां पर आए आपने कहा साथ, दैट इज कॉल्ड कंपनी। मेरे दोस्त मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, माय फ्रेंड आई नीड योर कंपनी, आई वांट योर कंपनी। तो कंपनी का मतलब हो गया साथ। तो जब वर्ब है अकंपनी, साथ देना, और कंपनी का मतलब क्या हो गया, साथ। तो आई वॉन्ट योर कंपनी, आई नीड योर कंपनी, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, तो आई वॉन्ट योर कंपनी। एक बहुत फेमस कोटेशन है जो आप सब लोगों ने सुना होगा, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, ए पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। इंसान जैसी संगत में रहता है वैसा ही जाना जाता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं आ पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो इंसान जैसी संगत में रहता है वैसा ही जाना जाता है। तो अ पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, ये वही दोहा है जो बचपन में आप लोग पढ़ते थे कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठी हो तैसोई फल दीन। उसी दोहे को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया, अ पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। दोस्तों अब एग्जाम वाला क्वेश्चन उसको जरा ध्यान से देखिए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है अकंपनिस्ट, आईएसटी आया, समझ गया कि ये नाउन है, और आईएसटी से एक हिंट और मिल जाता है कि कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है। दोस्तों जब भी किसी वर्ड के लास्ट में आईएसटी आ जाए तो यहां से दो हिंट लेंगे, पहला तो वो वर्ड नाउन है, और दूसरा ये कि वो कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है। तो अकंपनिस्ट कौन होता है, वो पर्सन जो आपका सपोर्ट करता है, आपका साथ देता है, आपका संगतकार। संगतकार को हम लोग हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं अकंपनिस्ट। तो अकंपनिस्ट इज कॉल्ड संगतकार, जो किसी चीज में आपका साथ दे, आपका सपोर्ट करे, आपकी संगत दे, ऐसे पर्सन को हम लोग बोलते हैं अकंपनिस्ट। तो दोस्तों मैं बार बार इस बात को हाईलाइट करना चाहता हूं कि वर्ड्स को जब भी पढ़ेंगे उसकी फैमिली के साथ पढ़ेंगे, वर्ड्स को जब भी पढ़ेंगे उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचान के पढ़ेंगे, वर्ड्स को जब भी पढ़ेंगे सेंटेंस बना के अपने दिमाग में रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड इज कॉल्ड एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, इसे हम लोग कहते हैं ढेर लगाना, और इसी को हिंदी में कहते हैं संचय करना। तो संचय करना भी एक्यूमुलेट, इकट्ठा करना भी एक्यूमुलेट, और ढेर लगाने के लिए भी हम लोग वर्ड यूज करते हैं एक्यूमुलेट। क्लियर, ही इज एक्यूमुलेटिंग मनी, वो पैसा इकट्ठा कर रहा है। आई एम एक्यूमुलेटिंग नॉलेज, मैं नॉलेज इकट्ठा कर रहा हूं। तो किसी चीज को इकट्ठा करना, ढेर लगाना, संचय करना इज कॉल्ड एक्यूमुलेट। इकट्ठा करने के लिए ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं। एक वर्ड हम लोग पढ़ते हैं एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब इकट्ठा करना।
एस एक वर्ड होता है एग्लोमरेट, एग्लोमरेट का मतलब इकट्ठा करना। एस एक वर्ड होता है अमास, अमास का मतलब इकट्ठा करना। सी से वर्ड होता है कलेक्ट, कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करना। जी से वर्ड होता है गेदर, गेदर का मतलब इकट्ठा करना। सी से वर्ड होता है कंपाइल, कंपाइल का मतलब इकट्ठा करना। पी से वर्ड होता है पाइल, पाइल का मतलब इकट्ठा करना। एस से वर्ड होता है हीप, और हीप का मतलब भी इकट्ठा करना। तो एक्यूमुलेट, एग्रीगेट, एग्लोमरेट, अमास, कलेक्ट, गेदर, कंपाइल, पाइल एंड हीप। तो ये सारे वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। इन वर्ड्स को आप अच्छे से ध्यान रखिए, इनको पढ़िए। एक्यूमुलेट, एग्रीगेट, एग्लोमरेट, अमास, कलेक्ट, गेदर, कंपाइल, पाइल एंड हीप। इन सब का मतलब इकट्ठा करना, ढेर लगाना। मुझे अमास वर्ड बहुत पसंद है, आई लव दिस वर्ड अमास। अमास का मतलब भी इकट्ठा करना। मैंने कहा जाओ लोगों को इकट्ठा करो, गो एंड अमास पीपल। तो जाओ लोगों को इकट्ठा करो, गो एंड अमास पीपल। तो अमास का मतलब इकट्ठा करना। तो एक्यूमुलेट, एग्रीगेट, एग्लोमरेट, अमास, कलेक्ट, गेदर, कंपाइल, पाइल एंड हीप। अब जरा फिर से ध्यान दीजिए, एक्यूमुलेट ये वर्ब है, आपने कहा इकट्ठा करना, संचय करना, आपने हिंदी में बोला संचय करना। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आप पढ़ के गए एक्यूमुलेट और एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन दे दिया एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन, तो बिल्कुल भी विचलित नहीं होंगे, बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, एकदम ध्यान देंगे कि देखिए टी आई एन आ गया, वर्ड नाउन हो गया, और वर्ब में और नाउन में सिर्फ एक फर्क है कि वर्ब में ना निकले, नाउन में ना निकले। यहां आपने कहा संचय करना, यहां पर आए तो हो गया संचय, दैट्स कॉल्ड एक्यूमुलेशन। तो एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज, तो एक्यूमुलेशन इज कॉल्ड संचय, ढेर इकट्ठा, दैट्स एक्यूमुलेशन। तो इतने सारे वर्ड्स हैं जो हम लोग इकट्ठा करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है एक्यूज, ए डबल सी यू एस ई, एक्यूज। एक्यूज का मतलब होता है किसी के ऊपर इल्जाम लगाना, आरोप लगाना, दोष मढ़ना। तो दोष मढ़ने के लिए, आरोप लगाने के लिए, इल्जाम लगाने के लिए हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं एक्यूज। अक्सर लोग कहते हैं ना यार तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, यू आर एक्यूजिंग मी, तुम फालतू मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, यू आर एक्यूजिंग मी अननेसेसरली। तो एक्यूज का मतलब इल्जाम लगाना, दैट इज कॉल्ड एक्यूज। इसी को आपने ए अल्फाबेट से कभी पढ़ा होगा, एलिज, एलिज इज ऑल्सो इल्जाम लगाना। इल्जाम लगाने के लिए एक वर्ड हम लोग पढ़ते अरेन, अरेन का मतलब भी होता है इल्जाम लगाना। बी अल्फाबेट से आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा होगा ब्लेम, ब्लेम का मतलब भी होता है आरोप लगाना, इल्जाम लगाना। और एक इडियम यूज होता है पुट द चार्ज, देखिए चार्ज का मतलब इल्जाम और पुट का मतलब लगाना, तो पुट द चार्ज इल्जाम लगाना। तो एक्यूज, एलिज, अरेन, ब्लेम, पुट द चार्ज, सब का मतलब हो गया आरोप लगाना या इल्जाम लगाना, दैट इज कॉल्ड एक्यूज। अब एक्यूज वर्ब है तो आपने कहा इल्जाम लगाना। अब दोस्तों अगर इसी से वर्ड आपको कोई बोल दे एक्यूसेशन, तो आप क्या समझेंगे, टी आई एन को देखकर नाउन हो गया ना, तो यहां पर वर्ब था तो इल्जाम लगाना, यहां पर क्या बचा इल्जाम। तो इल्जाम को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूजेशन, दैट्स कॉल्ड इल्जाम। इट इज एन एक्यूजेशन ऑन मी मिलॉर्ड, ये मेरे ऊपर इल्जाम है मिलॉर्ड, तो इल्जाम इज कॉल्ड एक्यूजेशन। इसी को हम लोग एलिज को ही तो नाउन बोलते हैं एलिगेशन, दैट इज कॉल्ड इल्जाम। देखिए अरेन का ही तो नाउन हो जाता है अरेंजमेंट, दैट इज इल्जाम। ब्लेम का नाउन ब्लेम ही रहता है, इसे बोलते हैं इल्जाम। और चार्ज का नाउन भी चार्ज रहता है, दैट इज कॉल्ड इल्जाम। तो ये भी नाउन, ये भी नाउन, ये भी नाउन, ये भी नाउन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने वाला हूं, आप सब लोग बहुत ध्यान से इस बात को सुनेंगे, बहुत ध्यान से, कि दोस्तों जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिनोनिम्स के, एंटोनिम्स के या सब्स्टिट्यूशन वन वर्ड के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत बड़ी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है जो आप नहीं ध्यान रखते। वो बात यह है कि हमें वर्ब का आंसर वर्ब से देना होता है, नाउन का आंसर नाउन से देना होता है, और एडजेक्टिव्स का आंसर एडजेक्टिव से देना होता है। अगर हमारा सब्स्टिट्यूशन वन वर्ड का कोई क्वेश्चन वर्ड नाउन है तो मैं ऑप्शन में नाउन को चूज कर। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड इज कॉल्ड अचीव। अचीव का मतलब होता है पाना, प्राप्त करना या हासिल करना। तो किसी भी चीज को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए या हासिल करने के लिए हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं अचीव। जैसे मैंने कहा आज तक आपने क्या हासिल किया, क्या पाया, बताइए मुझे। तो व्हाट हैव यू अचीव्ड सो फार, टेल मी। तो व्हाट हैव यू अचीव्ड सो फार, टेल मी। तो हासिल करना, पाना या प्राप्त करना, इसे हम लोग बोलते हैं अचीव। इसके लिए आप लोगों ने ए अल्फाबेट से वर्ड सुना होगा अकॉम्प्लिश, पाना या प्राप्त करना। इसी को ए से हम लोग बोलते हैं एक्वायर, पाना या प्राप्त करना। इसी को ए से हम लोग कहते हैं अटेन,
पाना या प्राप्त करना, इसी को ओ से बोला जाता है ऑब्टेन, पाना या प्राप्त करना, यही वर्ड जी से होता है गेट, और इसी को जी से हम लोग बोलते हैं गेन। तो इतने सारे वर्ड्स हो गए, अचीव, अकॉम्प्लिश, एक्वायर, अटेन, ऑब्टेन, गेट और गेन, सबका मतलब होता है पाना, प्राप्त करना या हासिल करना। तो व्हाट हैव यू अचीव सो फार, तुमने आज तक क्या हासिल किया बताओ मुझे। तो पाना, प्राप्त करना इज कॉल्ड अचीव, हासिल करना इज कॉल्ड अचीव। अब दोस्तों जरा ध्यान से देखिए, अचीव वर्ड वर्ब है, अकॉम्प्लिश वर्ब है, एक्वायर वर्ब है, अटेन वर्ब है, ऑब्टेन वर्ब है, गेट वर्ब है और गेन वर्ब है, और वर्ब का आंसर हमें वर्ब से देना होता है। तो पूरी सीरीज आपके सामने वर्ब के लिखी है। लेकिन अगर कोई आपके सामने वर्ड लिख दे अचीवमेंट, दोस्तों मेंट को देखकर क्या समझ में आया, ये वर्ड क्या हो गया, नाउन, और जो चीज हमने पाई है वही चीज हमारी उपलब्धि क्या कहलाती है, अचीवमेंट कहलाती है। तो अचीव से वर्ड हो गया अचीवमेंट और अकॉम्प्लिश से वर्ड हो गया अकॉम्प्लिशमेंट। तो देखिए अब अगर आप सिनोनिम का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं किसी भी बुक से अपने एग्जाम में, तो अगर वर्ब, अगर आपके सामने क्वेश्चन अचीव है तो आप आंसर अकॉम्प्लिश लगाएंगे, लेकिन अगर आपके सामने क्वेश्चन अचीवमेंट है तो आप उसका आंसर अकॉम्प्लिशमेंट लगाएंगे, क्योंकि वर्ब का आंसर वर्ब से और नाउन का आंसर हमें नाउन से देना होता है। अब अगर यही वर्ड आपके सामने कोई बोल दे अचीवर, तो आप समझ गए याद लग गया, नाउन हो गया, पाने वाला, प्राप्त करने वाला, हासिल करने वाला। तो किसी भी चीज को पाने वाला, किसी भी चीज को प्राप्त करने वाला, किसी भी चीज को हासिल करने वाला, उसे हम लोग बोलते हैं अचीवर। तो अचीवर कौन हो गया, अचीव करने वाला। अचीवर कौन हो गया, हासिल करने वाला, इसे हम लोग कहते हैं अचीवर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अडॉप्ट। अडॉप्ट, अडॉप्ट का मतलब होता है किसी को गोद लेना, अडॉप्ट। तो गोद लेने के हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं, अडॉप्ट, गोद लेना। मेरे अंकल ने एक बच्चे को गोद लिया, तो माई अंकल अडॉप्टेड अ चाइल्ड। तो गोद लेने के लिए हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं अडॉप्ट। दोस्तों ये वर्ब है गोद लेना, इसलिए आपने कहा गोद लेना। किसी को गोद लेने की जो प्रक्रिया होती है वो एडॉप्शन कहलाती है। तो देखिए शन टी आवेन आ गया, आप समझ गए वर्ड हो गया नाउन। तो गोद लेने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, एडॉप्शन। तो गोद लेने की प्रक्रिया इज कॉल्ड एडॉप्शन। अब अगर यही वर्ड आपके सामने लिख दिया जाए अडॉप्टर, देखिए ईआर लग गया, आप समझ गए गोद लेने वाला। तो ईआर लग जाए, ओआर आ जाए, तो आप समझ गए करने वाला। तो गोद लेने वाला अडॉप्टर होता है। अब अगर इसी वर्ड को मैं ऐसे लिख दूं अडॉप्टेड, तो ईडी को देखकर आप क्या समझ गए कि वर्ड हो गया एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव है तो ऑब्वियस सी बात है किसी नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करेगा। और मैं बहुत इंफेसाइज करके इस बात को बोलता हूं कि जब भी एडजेक्टिव पढ़े एक नाउन को खुद से अटैच कर लीजिए, एक नाउन को खुद से जोड़ लीजिए। ऐसा करने से आपको वर्ड यूज करना आ जाएगा और उस वर्ड को लेकर आपकी क्लियरिटी बढ़ जाएगी। जैसे मैंने कहा हिज अडॉप्टेड चाइल्ड, अब समझ गए वो गोद लिया गया बच्चा है, तो हिज अडॉप्टेड चाइल्ड, तो चाइल्ड हो गया नाउन। नाउन की क्वालिटी बता रहा है कि बच्चा कैसा, गोद लिया गया, इज कॉल्ड अडॉप्टेड चाइल्ड। अभी मैंने आपको पढ़ाया था अल्फाबेट से हिज अबेंडेंट चाइल्ड, वो त्यागा गया बच्चा है, मैंने कहा हिज अडॉप्टेड चाइल्ड। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कभी आपको एंटोनिम्स में क्वेश्चन मिले कि अडॉप्टेड का अपोजिट वर्ड बताइए, तो आप बोल दीजिएगा अबेंडेंट। तो अगर आपको अडॉप्टेड का कभी एडजेक्टिव वर्ड बताना पड़े, तो आप अपोजिट वर्ड बताना पड़े, तो आप बोल देंगे अबेंडेंट। तो अबेंडेंट इज कॉल्ड त्यागा गया, वो त्यागा गया बच्चा है, ही इज अबेंडेंट चाइल्ड, और वो गोद लिया गया बच्चा है, ही इज अडॉप्टेड चाइल्ड। तो दोस्तों आज हम लोगों ने अल्फाबेट वर्ब के कुछ वर्ड्स को सीखा। मुझे पता है वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया है, लेकिन नो इश्यूज, आप सब लोग यहां पर सीखने के लिए आए, पढ़ने के लिए आए। जो हम लोग क्लास में एक एक दो दो घंटे की क्लासेस ले सकते हैं, तो यहां पर हम आधे घंटे के वीडियो लेक्चर को जरूर देख सकते हैं। यह आपके बेनिफिट के लिए, आपके फायदे की बात है। और आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि मैं और भी लेंदी वीडियोस आप लोगों के बनाऊं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा एक एटमॉस्फेयर, एक क्लासरूम एटमॉस्फेयर मिले और आपको बिल्कुल वही फीलिंग आए जैसे आप क्लास में बैठ के मेरे साथ पढ़ते हो। तो घर पे जब आप पढ़ो तो आपको वही फीलिंग आए, आपको लगे कि मैं क्लास में बैठा हूं और सर के सामने बैठा हूं और मैं इस वीडियो को देख रहा हूं और मैं पढ़ाई कर रहा हूं। तो चलिए दोस्तों अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और आप में से जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत सीरियस नोट पर नोट्स बनाइए। आने वाले टाइम में मैं अपने कुछ वीडियोस के थ्रू आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, मैं उन सबको सॉल्व कर दूंगा। और ये मेरा वादा है आप लोगों से कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश को लेकर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। टिल देन बाय बाय, फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।